हाय एवरीवन, आई एम संगीता। आज मैं आपसे रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ वो है ब्राउनी। ब्राउनी जस्ट लाइक अ केक, बट है ना वो बहुत चॉकलेटी और उसमें वॉलनट्स भी डले हुए होते हैं। पहले तो मुझे जिस सबसे रेस्टोरेंट वगैरह में ये मिलती थी एक पीस के हिसाब से, जो इसकी प्राइसिंग होती थी वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी, मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा शायद से ये मेहनत लगती होगी, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते होंगे बनाने में। बट जब मैंने ये घर पे ट्राई किया, आई मस्ट से कि ये केक बनाने से भी ज़्यादा ईजी है। जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वो स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो आप सच में घर बैठे ही आप अपनी चॉकलेट ब्राउनी फज बना सकते हैं। तो जो मैं रेसिपी देने वाली हूँ उसकी तरफ पहले हम एक ट्रे लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा केक ब्राउनी का जो बैटर है वो हम इसी ट्रे में डालेंगे, तो हम उसकी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। उसमें ग्रीस करके ऑयल और ऑल पर्पस फ्लोर डालें और अच्छे से उसकी एक कोट तैयार कर लें। नेक्स्ट, अब हम एक पैन में हाफ टी स्पून बटर लेंगे। बटर में हम थोड़े से वॉलनट्स डालेंगे और उनको गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। आप अगर रोस्ट नहीं करना चाहते तो ये वाला प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आप रोस्ट करेंगे तो आपकी ब्राउनी में एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा और वो ब्राउनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको लो आँच पे ही आप रोस्ट करें, हाई पे मत करिए, एकदम क्रंची हो जाने चाहिए वॉलनट्स। देखिए मेरे हो गए हैं ना एकदम गोल्डन ब्राउन वॉलनट्स। अभी नेक्स्ट हम डार्क चॉकलेट लेंगे। 125 ग्राम हमको डार्क चॉकलेट लेना है। इसको हम मेल्ट कर देंगे बटर में, और चॉकलेट थोड़ा सा फ्रीज़र कड़क होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि आप जो काटने के समय ये आपका पिघलने लगे। तो जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ ऐसे आप काटते जाइए चॉकलेट्स को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उसको फास्ट फॉरवर्ड में डाल देंगे। इन बिटवीन में आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके सबसे शेयर करें मेरी रेसिपी। अभी तो ये हो गया मेल्ट करने के लिए चॉकलेट। अभी जो हम ब्राउनी में चंक्स डालेंगे डार्क चॉकलेट के, वो थोड़े से चंक्स काट के रखेंगे, ये हमको गार्निशिंग करने के लिए और अंदर ब्राउनी के बैटर में डालने के लिए पीसेस चाहिए, वो हम काट रहे हैं। उनको भी हम अनइवन शेप में काट सकते हैं। अभी आप एक डबल बॉयलर मेथड से ये पूरा डार्क चॉकलेट का जो भी चंक्स हैं वो हम पिघला लेंगे। उसमें हम 100 ग्राम ऑफ बटर डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और सॉफ्टनेस के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालेंगे। ऑयल वैसे डलता नहीं है ब्राउनी में, बट मैं फॉर सॉफ्टनेस इसमें डालती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ब्राउनी बने ऊपर से क्रिस्पी हो बट अंदर से एकदम सॉफ्ट हो। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप रखते हो फ्रिज में तो वो सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। जब तक हमारा बटर और चॉकलेट मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक बाउल लेंगे। उस बाउल में हम 3 अंडे लेंगे। तीनों अंडों को अच्छी तरह फेंटना है और तीनों अंडों में हाफ कप जितना हम ब्राउन शुगर डालेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर का भी यूज़ कर सकते, और 1/4 कप हम वाइट शुगर ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इतना अंडों को फेंटेंगे जब तक जो शुगर है वो अंदर ही मेल्ट होके अच्छे से एक बैटर की तरह टेक्सचर ना हो जाए, और अंडे को ऐसे जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे फेंटते जाना है। क्योंकि इस ब्राउनी में हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करते हैं, तो एग से ही हम उसको वॉल्यूम देंगे। अभी ये एग का मिक्सचर बन चुका है, अब इसमें हम बटर और चॉकलेट वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। जो चॉकलेट की खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब चॉकलेट और जो अंडे वाला बैटर है उनको अच्छी तरह फेंटना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए जिस हिसाब से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ ऐसे आपको मिक्स करना है अच्छे से, और जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। देखो हमारा जो मिक्सचर है चॉकलेट वाला वो गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा।
हम 1/4 कप जितना कोको पाउडर डालेंगे और 3/4 कप जितना ऑल पर्पस फ्लोर डालेंगे। अभी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह स्ट्रेनर से छान लेंगे। किंग की सारी चीज़ें हो सके तो हमको छान के ही यूज़ करनी चाहिए। उससे आपके केक और ब्राउनी अच्छे से बैक होती है। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसका लास्ट इंग्रेडिएंट वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस, और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है कॉफ़ी पाउडर। आप इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, वैसे मोस्टली डली हुई नहीं होती है, पर डार्क चॉकलेट के साथ जो कॉफ़ी का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इसको कट एंड फोल्ड मेथड से पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर देंगे, जैसे हमने वीडियो में दिखाया हुआ है। आप उसको ऐसे पूरा मिक्स करते जाएंगे, उसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ये ध्यान रखिए। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अभी जो हम ये बैटर हैं उसमें हम जो वॉलनट्स और जो चॉकलेट्स के चंक्स हमने निका साइड में करके रखे थे उनको अब डालने का टाइम हो गया है। अब इन चंक्स को भी हम थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर से थोड़ा कोट करके डालेंगे और जो थोड़ा सा बचा के रखेंगे उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। चलो अभी ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखी थी उस ट्रे में ब्राउनी का मिक्सचर डालने का टाइम हो गया है। अभी उसको अच्छे से पूरे मिक्सचर को ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और पूरे बैटर को ऐसे सीधा कर देंगे। जो इसके ऊपर जो थोड़े से मैंने वॉलनट्स और चॉकलेट के चंक्स हैं वो बचा के रखे थे वो भी डाल देंगे और उसको 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो ब्राउनी है वो बेक हो चुकी है 35 मिनट्स के बाद। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल अंदर कच्ची नहीं है और जैसे ये ठंडी होती जाएगी और ये और नीचे बैठती जाएगी। ऐसी सिंपल रेसिपी है चॉकलेट ब्राउनी फज की। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई रियली नीड योर सपोर्ट।